नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पे गलत फाइन मारा गया है तो उसकी शिकायत कैसे करें। दोस्तों जब हम गाड़ी चलाते रहते हैं और कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं और गलती से हमसे कोई सिग्नल जंप हो गया या हमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी या हमें पता नहीं हम वन वे में चले गए, हमें ध्यान नहीं रहा या कभी कभी ओवर स्पीड हो गया या बहुत सारी ऐसी बात होती है कि हमें पता नहीं रहता है और गलती कर देते हैं और ट्रैफिक हवलदार हमें गाड़ी रुका कर हम पे वो अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल कर हम पे फाइन मार देता है या फिर कहीं कहीं जो सिग्नल पे कैमरे लगे हैं उस कैमरे से हमारी गाड़ी का फ़ोटो आ जाता है और हम पे फाइन लग जाता है। पर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये जो हमें जो फ़ाइन मारा गया है ये गलत फ़ाइन लगा है, इसका हमें विरोध करना चाहिए, इसका हमें कंप्लेंट करना है, पर हमें पता नहीं होता कि इसका कंप्लेंट हम कहाँ करें। तो दोस्तों आइए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पे गलत फाइन मारा गया है, आरटीओ द्वारा गलत पेनल्टी लगाया गया है, तो आप इसका कंप्लेंट कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपको पता करना है कि आपकी गाड़ी पे कितना फ़ाइन है तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में MTP मुंबई ट्रैफिक पुलिस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको लॉगिन करना है और आपकी गाड़ी पे कितना फ़ाइन है ये पता करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो भी देख के अपने गाड़ी पे कितना फ़ाइन है वो चेक कर सकते हैं। ये ऊपर आई बटन दिख रहा है, ये आई बटन को टच करके भी आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं कि अपने गाड़ी पर फ़ाइन कैसे चेक करें। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारी गाड़ी पर कितना फ़ाइन है वो फ़ाइन को चेक करने के बाद और कैसे RTO को कंप्लेंट करेंगे कि हमारी गाड़ी का फ़ाइन गलत लगाया गया है, इस फाइन को कैंसिल करना चाहिए, ये हम कैसे करेंगे। जब आप MTP ऐप मुंबई ट्रैफिक पुलिस एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा और यहाँ पर लिखा है माय चैलेंज, जो लिखा है दोस्तों ये माय चैलेंज को टच कीजिए तो देखिए दोस्तों ये गाड़ी नंबर आप एक से ज़्यादा कितनी गाड़ियाँ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो गाड़ियाँ दिखा रही है तो मुझे पता करना है किस गाड़ी पर कितना फ़ाइन है। मान लीजिए मैं ये ऊपर वाला गाड़ी नंबर दबाता हूँ तो देखिए दोस्तों ये गाड़ी पे कितना फ़ाइन है सब दिखा रहा है, बाकी सब फ़ाइन भरे हुए हैं पर इसमें ये दिखा रहा है अनपेड, इस अनपेड को टच करना है। तो आप ये जो बटन दबाएंगे यहाँ पर जो एरो दिखा रहा है इसको टच कीजिए तो आपको दिख जाएगा कि ये अनपेड है। तो आपको इसमें जो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है चलन नंबर, ये व्यू वायलेशन डिटेल टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी पे क्यों फ़ाइन मारा गया है, फ़ाइन मारने का कारण क्या था। तो जैसे इसको आपने ओपन किया आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगा कि इस गाड़ी पे फ़ाइन क्यों मारा गया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है इमेज 1 इमेज 2, ये इमेज बटन दबाकर आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी का फ़ोटो लिया गया है, तो आप अपने गाड़ी का फ़ोटो भी यहाँ पर देख सकते हो। अब बैक कर लेते हैं तो इस तरह दोस्तों अपने गाड़ी पर आपका कितना फ़ाइन है आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारी गाड़ी पर जो फ़ाइन लगा है हमें लगता है कि हमें गाड़ी पर गलत फ़ाइन मारा गया है तो इसका कंप्लेंट कैसे करें। दोस्तों हम बैक कर लेते हैं और मेन मेन्यू में आ जाते हैं। ये मेन मेन्यू में आ गए, यहाँ जो बीच पे लिखा है ग्रीवेंस को टच कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने दो गाड़ियों का कंप्लेंट किया हुआ है, एक का फेल हो गया है और एक प्रोसेस में है, यानी कि एक को RTO ने बोल दिया है कि आपका जो आपने जो हमें कंप्लेंट किया था वो कंप्लेंट आपका काम नहीं आएगा, वो रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है। लेकिन जो नीचे है ये कंप्लेंट अभी भी प्रोसेस में है, उनका RTO टीम चेक कर रहा है कि इसमें क्या सही में गलत फाइन मारा गया है या फाइन सही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कभी कभी टाइम लगता है आने के लिए, 15 दिन महीने लग जाते हैं इसको चेक करने के लिए, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि हमें कैसे कंप्लेंट करना है। दोस्तों यहाँ जो आप प्लस का निशान दिख रहे हैं, ये जो प्लस का निशान उसको टच कीजिए तो ऐसा पेज खुल जाएगा, ऊपर लिखा है अप्लाई ग्रीवेंस अगेंस्ट चलन, तो आपको ऊपर वाला उसको टच करना है तो अब ऐसा पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिखा है चलन नंबर है, मैंने आपको बता दिया चलन नंबर कहाँ देखना है, वहाँ चलन नंबर टाइप कर दीजिए, ये मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ चलन नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों चलन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, जो चलन नंबर है वही चलन नंबर रखें। यहाँ पर नीचे लिखा मोबाइल नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर आपका ईमेल ID है वो ईमेल ID यहाँ डाल दीजिए, रीज़न डालिए, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा रीज़न कि किस कारण लगता है कि आपको गलत फाइन ये जो किस कारण लगता है कि ये फ़ाइन गलत लगा है आपको, तो आपको ये इसको टच करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आप यहाँ पर इसमें कोई भी रीज़न आप चेक करके आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फ़ाइन लगा है किसी और गाड़ी के नाम पे और गलत फ़ोटो लिया गया है, कई बार क्या होता है कि हमें डबल फ़ाइन भर दिया है फिर भी फ़ाइन दिखा रहा है, या एक ही दिन में एक ही गाड़ी पे एक ही गलती के लिए बहुत बार फ़ाइन मारा गया है, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। किसी गाड़ी में जो फ़ाइन मारा जाता है तो वहाँ पर
नंबर क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए आप ये नंबर नॉट विजिबल चूज़ कर सकते हैं, या कभी लगता है कि आपका जो आप पे जो फाइन मारा गया है वो सही नहीं है उसके लिए आप ये वायलेशन नॉट क्लियर दबा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि जो एविडेंस दिया गया है आपके फ़ोटो में वो गलत एविडेंस दिया है तो आप ये रॉन्ग एविडेंस का क्लिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये रॉन्ग एविडेंस को क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर जो लिखा है इंटर रिमार्क, आपको इसमें टाइप करके जो लिखा है इसमें आपको लिखना है कि जब आपकी गाड़ी फाइन मारा गया तो आपको लगता है उस समय क्या हालत थी, क्या बात थी, आप वहाँ मौजूद नहीं थे या गाड़ी में आप बैठे थे। कहीं का सिग्नल ख़राब होता है तो हवलदार खुद उस तो ट्रैफिक वाला खुद उसको ऑपरेट करता है और गाड़ियों को आने दो बोलता है, जाने दो बोलता है, तो हम उस वो सिचुएशन था या क्या, वो आपको जो लगता है वो आप यहाँ पर आप टाइप कर लिख दीजिए। यहाँ पर आप अपना गाड़ी नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आपके गाड़ी का इंजन नंबर या चेसिस नंबर के चार अक्षर, याद रखिए दोस्तों लास्ट के चार अक्षर आपको यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ टाइप कर दीजिए। और यहाँ पर लिखा है इसको आपको टच करना है आई एम नॉट रॉबर्ट, तो ये क्रॉस ये जो डब्बा दिख रहा है ये डब्बे में आप टच कीजिए तो ये आपका टिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप दोस्तों सबमिट बटन दबाएंगे, जैसे आपने ये सबमिट का बटन दबाया आपका जो ये कंप्लेंट है वो RTO को चला जाएगा, RTO के सिस्टम में चला जाएगा और वो लोग इसको अपने हिसाब से टाइम उनके टाइम के हिसाब से वो लोग चेक करेंगे और आपको इसका रिप्लाई देंगे कि क्या आपने कंप्लेंट किया है, आपका कंप्लेंट पास हुआ है या पास नहीं हुआ है। पर दोस्तों अगर लगता है आपको कि आपकी गाड़ी पर गलत कंप्लेंट किया गया है तो आपको ज़रूर कंप्लेंट करना चाहिए, क्या पता आपका वो फाइन माफ़ हो जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप अपनी गाड़ी का कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप ग्रीवेंस में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो आपने कंप्लेंट किया था वो यहाँ पर पास हुआ है कि आपका प्रोसेस में है या आपका फेल हो गया है, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो आप हर दो दिन चार दिन पर इसको चेक कीजिए कि आपका क्या स्टेटस है, आपका फ़ाइन को क्या फ़ाइन मारा गया है या नहीं मारा गया है। इस बीच में फ़ायदा दोस्तों आप लोगों को ये होगा कि रास्ते में अगर RTO आपको रुकाता है और बोला जाता है कि वो अपने एप्लीकेशन में चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये गाड़ी पे आपके फ़ाइन दिखा रहा है, फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो उस समय आप उसको बोल सकते हो कि देखिए सर मैंने कंप्लेंट किया था, ये मेरा अभी प्रोसेस में है, अगर मैं पैसा भर दूंगा तो मेरा वो प्रोसेस फेल हो जाएगा, इसलिए आप उनको टाइम मांगिए, वो आपको उस समय आपको पैसा भरने नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी देखेंगे कि आपका जो आपने कंप्लेंट रेज किया है, जो शिकायत की है RTO को, वो प्रोसेस में है तो आपको जोर नहीं देंगे फ़ाइन भरने के लिए। तो जब आपका एक बार ये क्लियर हो जाएगा कि आपको फ़ाइन भरना है कि नहीं भरना है, वो हिसाब से आप इसको आगे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फेल हो गया तो आपको फ़ाइन भरना ही पड़ेगा, और आपको लगता है पास हो गया है तो आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ये फ़ाइन डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिख के आएगा कि आपका पास हो गया है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना आसान था अपने गाड़ी पर लगे फ़ाइन को, गलत लगे फ़ाइन को चेक करना और उस पर कंप्लेंट करना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को भी पता चल जाए कि कैसे अपने गाड़ी पर लगे फ़ाइन को कंप्लेंट करना है, कैसे इसका शिकायत करना है। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।